जो काम का नहीं उसको हटाइए, और जो काम का है उसको जल्दी कराइए, और 7 डेज के अंदर पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, फिर कल आगे देखो दोबारा से, रोज आके देखेंगे, आप इसको रोज देखिए, आपका यही हो जाए। तो वहां से डीजी ऑफिस से कितना दो आए थे, दो आ गए एक डिस्ट्रीब्यूटर, और जो हम खरीद रहे हैं हम दो खरीद, तो हमारे दो और उनके दो, चार हो जाएंगे। चार ये लगे हैं कुछ आईसीयू बने, तो क्या है? जिला अस्पताल को शासन द्वारा जो है कोविड अस्पताल के रूप में नामित किया गया है, और जिला अस्पताल में वर्तमान में हमारे पास में एक वेंटिलेटर हम लोग के पास उपलब्ध था पहले से, और अभी जो धनराशि प्राप्त हुआ था विधायक निधि के माध्यम से और अन्य अस्पताल में जो निधि प्राप्त हुआ था उसके माध्यम से अस्पताल प्रबंधन समिति ने अभी दो वेंटिलेटर्स और क्रय कर लिया है। दो वेंटिलेटर का डिमांड हमने डीजी ऑफिस को रिक्वेस्ट किया था, वहाँ से भी दो वेंटिलेटर अभी आने की संभावना है जल्द ही। जिला अस्पताल में 5 बेड अभी हमारे पास में आईसीयू सुविधा प्राप्त है, 2 और अतिरिक्त बेड का व्यवस्था हम कर रहे हैं, इसमें कुल मिला के हमारे जनपद में जो है 5 वेंटिलेटर और 7 आईसीयू बेड का व्यवस्था हो जाएगा। साथ साथ जो निर्माण कार्य हो रहा है वर्तमान में हमने जिला अस्पताल में और अन्य जो हमारे अस्पताल हैं उसमें कोविड पेशेंट जो पॉजिटिव पेशेंट होंगे या सस्पेक्टेड पेशेंट होंगे उनके लिए हमने 109 बेड का व्यवस्था हमने किया हुआ है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वर्तमान में जनपद में हम जो 18 सैंपल जो हमने भेजे थे सभी के सभी सैंपल नेगेटिव आए हैं, वर्तमान में एक भी केस जनपद पिथौरागढ़ में पॉजिटिव नहीं है, और हम चाहेंगे कि ऐसी स्थिति बनी रहे और हमारे जनपद में एक भी केस ऐसा ना आए, इसके लिए हम पूरा प्रयास।